लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की आशा है ये, सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये, अवतार नहीं है ये इंसान है, शक्तिमान। बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, 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 शक्तिमान। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। हमें कैसे भी तबाही फैलाने से रोकना है जैकॉल को। क्लोनिंग प्रोसेस फेल हो गई डॉक्टर जैकॉल। मगर कैसे, कैसे? शायद ओवरलोड की वजह से। इन्हें जल्दी ही होश में लाना होगा, वरना ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। शक्ति किरणों से इन्हें होश में आ जाना चाहिए था। ये तो पारदर्शी हो गए शक्तिमान। तुम्हारे तरीके से ठीक नहीं होंगे ये लोग। अगर इन्हें कोई ठीक कर सकता है तो वो है केवल कोनू। कोनू? और अब देखिए, हाँ शक्तिमान, किताब में यही लिखा है। टिगारी घाटी में रहने वाले नमोन और उस कोनूर फूल के रस से ही इन्हें पारदर्शी से इंसानी रूप में लाया जा सकता है। और वो फूल सिर्फ टिगारी घाटी की ही आबोहवा में खिलते हैं। उनसे ही तुम्हें ऐसी दवा का पता चल सकेगा शक्तिमान, जिससे ये परग्रही ठीक हो जाएंगे। ठीक है महोदय, मैं टेगारी घाटी जाकर देखता हूं। Thank you.
हेलो नादिया, हेलो नादिया। यस डॉक्टर जकॉल। मैं टगारी घाटी पहुंच चुका हूं और अब मैं कनूर के फूल को ढूंढने जा रहा हूं। फूल के मिलते ही मैं तुम्हें सिग्नल करूंगा और तुम मुझे फौरन टेलीपोर्ट करोगी, यू अंडरस्टैंड? ओके डॉक्टर जकॉल। राइटो। अब ये कनूर का फूल किस दिशा में मिलेगा? ट्राई दिस राइट। राम महाशय, मैं टेगारी घाटी पहुंच चुका हूं और अब उस कोनूर के फूल को ढूंढने जा रहा हूं। शक्तिमान, इस बीच कोनूर के फूल से संबंधित कुछ और बातें हमें ज्ञात हुई हैं, वो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। हाँ बताइए महाशय, मैं सुन रहा हूँ। कोनूर के फूल सफेद रंग के होते हैं और उससे प्रकाश निकलता है। टेगारी घाटी में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग नमोन लोगों को देवताओं की तरह पूजते हैं। आदिवासियों को कभी हानि नहीं पहुंचाते हैं नमोन, अतः आदिवासियों से संपर्क करो। जी महाशय। और तुम वहां कोनूर के फूलों के पास पहुंचने तक शक्तिमान के रूप में मत रहो। गंगाधर बनकर इस तरह ढूंढो जैसे रास्ता भटक कर जंगल में आ गए हो। ठीक है महाशय, मैं ऐसा ही करता। विजयी भव शक्तिमान। प्रणाम महाशय। अब जरा ढूंढते हैं उस फूल को। तो डॉक्टर जकॉल को डराया जा रहा है। डॉक्टर जकॉल द ग्रेट साइंटिस्ट को डराना चाहते थे। पावर। कितनी शांति है यहाँ। यहाँ की शुद्ध हवा के झोंके हमारे तन को मन को शीतल कर रहे हैं। शहर में ऐसी शांति कहाँ। अरे महाशय, हमारी शांति भंग करने के लिए आप कहाँ से चले आए? सुखो फैसो, सुखो फैसो। ये भूतिया क्यों चिल्ला रहा है? हमने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं। सुखो फैसो, सुखो फैसो। अरे भाई रुक जाओ। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारी जान लेने पर चुने हैं?
भाई ये बहुत ही खतरनाक अस्त्र है, ये लगने से लहू निकलता है। पसीनो बगाड़ो। अरे भाई हमें आप लोगों की भाषा समझ में नहीं आ रही है, आप लोग सुन रहे हो कि चुप। पहले ये बता तेरा दूसरा साथी कहाँ है? उसने हमारे एक आदमी को मारा है। आप तो हिंदी भाषी लग रहे हैं। हाँ, मैं कुछ वर्ष शहर में रहा हूँ। अब ये बता दूसरा साथी कहाँ है तेरा? हमारा कोई दूसरा साथी नहीं है, हम तो अकेले हैं, हम तो रास्ता भटक गए थे। हाँ। चुप, झूठ बोल रहा है। नहीं महाशय, हम सत्य कह रहे हैं, हमारे सर की कसम। आपको विश्वास नहीं आता तो आपके सर की कसम। ठीक है, हम खुद देख लेंगे सच्चाई। महाशय, आप हमारा विश्वास कीजिए, हम सत्य कह रहे हैं। आप देखिए, आप इनसे कहिए कि हमें जाने दे, हमें बहुत ही आवश्यक कार्य करना है वहाँ लौट कर। पसीनो। पसीनो। अब क्या हुआ महोदय? हमारी भाषा में लौटकर का मतलब गाली होता है। प्रभु, कैसी मुसीबत में फंसा दिया आपने? तुमने गंदी गाली दी है, अब ये तुम्हें भाले से गोद गोद के मार डालेंगे। अरे नहीं, बंधु ये अनाथ होने से बचा लीजिए। अरे हम तो आज तक अपने शत्रु को गाली नहीं दिए, आपको कैसे गाली देंगे हम? चुप। हम तो तुम्हें ये बता रहे हैं कि हम निर्दोष हैं बंधु। फिर से गाली दी तुमने? अरे हमने कहा गाली दी? हमारी भाषा में निर्दोष का मतलब भी गाली होती है। धन्यवाद देवी जी, आपने तो हमारी जान बचा दी। क्या कहा देवी जी ने? इसने कहा कि तुम अच्छे लग रहे हो और तुम्हें बांध कर ले चलें। परंतु बंधु, हमें तो जाना है। जाना? चुप। हमारी भाषा में जाना का मतलब? समझ गया, गाली होता है। ये लोग तो हमें साथ लेकर जा रहे हैं। अरे यही तो हम चाहते थे। चलो चल चल रे नौजवान। इस रस्सी के बंधन से छुटकारा पाना तो मुश्किल नहीं है, किंतु अभी ऐसा करना उचित नहीं होगा। सभी आदिवासी मुझी पर दृष्टि जमाए बैठे। क्या हो रहा है? कहीं ये लोग हमें मारने की योजना तो नहीं बना रहे? भगवान का शुक्र है आप आ गई। देखिए देवी जी, हम सज्जन व्यक्ति हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमें मुक्त कर दीजिए ना। आवड़ी, हुआ हुआ? हुआ हुआ? हुआ हुआ? शायद हुआ हुआ कहने से ही हमें आजाद कर देगी। हुआ हुआ? हुआ हुआ? हुआ हुआ? हुआ हुआ? हुआ हुआ? चुप। हुआ हुआ का मतलब भी जानता है या ऐसे ही हुआ हुआ किया जा रहा है? मतलब तो नहीं जानते बंधु, परंतु अनुमान लगा रहे थे कि ये देवी हमें मुक्त करने की स्वीकृति जानना चाहती है। मुक्त करने की स्वीकृति नहीं, बल्कि अपना पति बनाने की स्वीकृति तुमसे लेना चाह रही थी। अर्थात हुआ हुआ का मतलब विवाह करने के लिए हाँ होता है? हाँ, अगर तुमने तीसरी बार हुआ हुआ बोल दिया होता तो आज बटरी से तुम्हारी शादी हो जाती। हुआ हुआ? नहीं, हुआ हुआ कहना नहीं हुआ। हुआ हुआ नहीं। ओबड़ी कोबड़ी को हट जा। क्या कह गई बंधु? यही
कि हिम्मत नहीं हारेगी और तुम्हें शादी के लिए मना कर रहेगी। मान गए तुमको, पहली बार बटरी के दिल में शक्तिमान को छोड़कर किसी और के लिए प्यार जागा है और वो तुम हो। शक्तिमान? शक्तिमान भैया को आप लोगों ने देखा है? बस उसका फोटो देखा। जब मैं शहर गया था तब मुझे शक्तिमान की फोटो मिली थी और वो फोटो लाकर मैंने बटरी को दिखाई। वो फोटो देखते ही बटरी ने ठान लिया कि वो सिर्फ शक्तिमान से ही शादी करेगी, मगर ना जाने आज क्या हुआ कि तुम्हें देखते ही वो तुम्हें दिल दे बैठी। मुझे इस बात की बहुत हैरानी हो रही है, कर लो उससे शादी, लड़की दिल की अच्छी। दादा नहीं नहीं नहीं, शादी वादी नहीं करनी है हमें। हमें तो भाई यहाँ से सिर्फ जाना है। बंधु खोल दो ना रस्सी। हंसकर चल दिया? कोई बात नहीं, कोनूर के फूल का पता चल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बाबर, ढूंढते ढूंढते दिन से रात हो गई, अभी तक मुझे कोनूर का फूल नहीं मिला। नहीं चाहिए मुझे लाल रंग के फूल। महामहिम किलबिश ने कहा था कि कोनूर के फूल का रंग सफेद होता है, सफेद, और उसमें से प्रकाश निकलता है। वाकई कमाल के फूल हैं, प्रकाश फैलाने वाले फूल। अब मुझे लगता है कि मेरे तीनों शैतान फिर से जिंदा हो जाएंगे। पावर! इस फूल का इस्तेमाल सिर्फ हम कर सकते हैं और इस पर हमारा अधिकार है, और हमारे अलावा इसे कोई छू भी नहीं सकता है। जब भी किसी ने कुनूर के फूल को तोड़ने की कोशिश की वो मौत के मुंह में चला गया, और अब तुम भी जाओगे। डॉक्टर जैकॉल, मौत का साया है, मौत का साया, जिस पर भी मेरी छाया पड़ जाए वो जिंदा नहीं बचता है। जा भर बंधु, एक बात पूछें? जल्दी पूछो। सुना है इन जंगलों में कोनूर नाम का एक फूल होता है। क्या कहा? कोनूर, कोनूर। तुम सचमुच मरना चाहते हो क्या? क्या बात करते बंधु, अरे मृत्यु किसे पसंद है? हमारे यहाँ जो भी कोनूर के फूल का नाम लेता है उसे मरना होता है, है? नमोन देवता उसे मार डालता है। लो, मौत आ गई। मरना तो तुम्हें है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हुआ हुआ? अरे बाप रे, फिर से शादी की बात करने लगी। हुआ हुआ? हुआ हुआ? हुआ हुआ? हुआ हुआ? चलो, ये लोग आ ही गए जिनकी प्रतीक्षा थी, तो यही है इनके देवता नमोन। इन्हीं के पीछे जाकर पहुंचा जा सकता है कोनूर के फूल तक। नाचने गाने की तैयारी हो रही है।
सभी मस्त हैं, अब यहां से निकल जाना चाहिए। यही निकलने का अच्छा मौका है। अंजाम जानते हो? किसी के जीवन बचाने के लिए ये जरूरी है। हम आपसे इस फूल का दान मांगते हैं, हमें ये फूल ले जाने दीजिए। हम सिर्फ तुम्हें मौत दे सकते हैं। तो ठीक है, कोशिश करके देख लीजिए। हम इस फूल को लेकर जा रहे हैं। ओह, इनके शरीर से टकराकर शक्ति किरणें दुगने वेग से मुझ पर ही वार करें। इनसे उलझे बिना ही निकलना ठीक होगा।
बता दिया मुझे, टेलीपोर्ट करो, टेलीपोर्ट करो। शक्तिमान तुम बाबर, ये तुमने क्या किया नादिया? तुमसे किसने कहा था कि टेलीपोर्ट करो? किसने कहा था? वो सर, मुझे आपका सिग्नल मिला तो मैंने सोचा कि आप मुझे टेलीपोर्ट करने का इशारा कर रहे हैं। शट अप! तुमसे सोचने के लिए किसने कहा था? किसने कहा था? एक कहावत है डॉक्टर जैकॉल, विनाश काले की दूत। अब समझ लो कि तुम्हारे भी विनाश का समय आ गया। बाबर, किसी गलत फहमी में ना रहना शक्तिमान, किसी भी गलत फहमी में मत रहना। शक्तिमान को किसी भी चीज को टेलीपोर्ट करने के लिए मशीन की जरूरत नहीं पड़ती जैकॉल। अब तैयार हो जाओ, इन तीन अपराधियों के साथ उस अंतरिक्ष की जेल में मेहमान बनकर रहने के लिए। शक्तिमान, तुम मेरा गणित कभी बिगाड़ न पाओगे, मेरा गणित तुम कभी बिगाड़ न पाओगे। पावा देखते शक्तिमान, ये यहाँ पे क्यों आया? मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा पावर। अब तुम देख भी नहीं पाओगे डॉक्टर जैकॉल, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए बर्फ बनकर यहां रहना है तुम्हें। पृथ्वी से तुम्हारी कहानी। तू मेरा गणित कभी बिगाड़ ना पाएगा। जेलर, जेलर, देखना इन्हें यहां से कोई ले न जाए। चलता हूं। शक्तिमान, हाँ, क्या इन परग्रहियों को ठीक करने वाला फूल तुम्हें मिल गया? हाँ, ये देखिए। हाँ,
आश्चर्य शक्तिमान, अगर आज ये सब मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तो शायद ऐसी किसी भी घटना पर मैं कभी यकीन नहीं करता। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इन फूलों को संभाल कर रखिए, इनमें अभी भी रस बाकी है, यह आपके रिसर्च के लिए काम आएगा। आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए, सिर्फ थोड़ी सी कमजोरी बाकी है, वो भी कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। नहीं शक्तिमान, आराम के लिए बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। हमें किसी भी हालत में डॉक्टर जयकॉल को रोकना है शक्तिमान। तुम चिंता न करो शीना, मैं डॉक्टर जयकॉल और तीनों अपराधियों को नादिया और कीटाणु मैन के साथ उस अंतरिक्ष की जेल में पहुंचाकर ही लौटाऊं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आकाश गंगा सुरक्षित है। हेलो शक्तिमान। कहिए। माना कि तुम शक्तिमान हो, बहुत अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपने आप को कानून की मर्यादा से भी ऊपर समझने लगो। बेहतर यही होगा कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। ठीक है शक्तिमान, तो साफ साफ सुनो, तुमने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर इन दोनों विदेशी जासूसों को गलत ढंग से आश्रय दिया है। आपका इल्जाम गलत है कुमार रंजन। सब करो शीना, न तो विदेशी है न जासूस है, ये लोग परग्रही हैं और अपनी आकाश गंगा की सुरक्षा के लिए निकले थे, मगर खाए। शक्तिमान के लिए घायलों की सेवा करना पहला फर्ज है। माना कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अगर ये दोनों विदेशी हैं तो कानून को इनके बारे में ना बताकर तुमने कानून का उल्लंघन किया है। यह आपके विचार हैं मिस्टर मेयर, जिससे मैं सहमत नहीं, मगर एक बात बताना चाहूंगा कि कानून को अपराधियों की जानकारी दी जाएगी, जबकि मिस्टर सबकर और शीना अपनी आकाश गंगा के रक्षक हैं। शक्तिमान चाहे जो भी हो, मगर है ये दोनों विदेशी और बिना वीजा के इस देश में अगर कोई विदेशी रहता है तो वो कानूनन अपराधी होता है, और इस देश का कानून उस अपराधी को गिरफ्तार करके रखता है। क्यों शक्तिमान, मैं सही कह रहा हूं ना? इसलिए अब तुम इन दोनों को यहां से नहीं ले जा सकते जब तक इस देश का कानून इन दोनों को यहां पर रहने का पूरा अधिकार नहीं दे देता। हां, मगर तुम्हारा लिहाज करते हुए इन दोनों को आम अपराधियों के साथ में हवालात में नहीं रखूंगा, बल्कि यहीं इसी अस्पताल में नजर बंद करके रखूंगा। क्या करे शक्तिमान, कानून तो कानून है शक्तिमान। कानून का उल्लंघन तो शक्तिमान भी नहीं करेगा कुमार मेयर रंजन। इसे सब करो शीना, जब तक कानून को आप दोनों पर यकीन नहीं हो जाता, आप दोनों को इसी अस्पताल में रहना होगा। ये क्या कह रहे हो शक्तिमान? शीना, देश का कानून शक्तिमान के लिए सर्वोपरि है। अगर आप दोनों चिंता न करें, बहुत जल्द कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। आप लोग यहां पर आराम से रहिए, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। चलता हूं। सिटी हॉस्पिटल में होने की खबर सुनते ही शहर के मेयर श्री कुमार रंजन जी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सिटी हॉस्पिटल पहुंचे
और परग्रहियों को ले जाने से शक्तिमान को रोक दिया। शक्तिमान पर यह आरोप है कि उन्होंने परग्रहियों को आश्रय देकर कानून की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। शहर के मेयर कुमार रंजन जी का विरोध करने पर शक्तिमान परग्रहियों को छोड़कर चले गए। अब कानून व्यवस्था के बाद यदि कानून की नजरों में परग्रही निर्दोष साबित हुए तो ही शक्तिमान उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। अंतिम समाचार मिलने तक परग्रही पूरी सुरक्षा के बीच सिटी हॉस्पिटल में ही नजरबंद हैं। लेकिन शहर के मेयर ने हमारे संवाददाता को ये बताया है कि ये परग्रही हमारे समाज के लिए नुकसानदेह भी हो सकते थे। हो सकता है इनके संपर्क में आने पर लोग किसी बीमारी का शिकार भी हो जाएं। इसलिए लोगों को उनसे मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा है। गलत, एकदम गलत। अरे शक्तिमान भैया सबकी भलाई करते, अरे अगर इन परग्रहियों से बीमारी फैलती तो शक्तिमान भैया क्या इनकी सहायता करते? ऐसे ही तो कानून का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम उन दोनों को वहां छोड़कर क्यों आए? अरे भाई हम नहीं, शक्तिमान भैया, शक्तिमान भैया। ओफो, दोनों अलग हैं क्या? अरे वो लोग हमारे मेहमान हैं, आकाशगंगा के रक्षक हैं वो लोग। अगर उन्हें इसी तरह यहाँ बंदी रखा गया तो आकाशगंगा की रक्षा को खतरा हो सकता है। अरे भाई ये तुम समझती हो, शक्तिमान भैया समझते हैं, पर ये देश का कानून नहीं समझता भाई। उनकी दृष्टि में तो ये दोनों परग्रही विदेशी हैं, ऐसे विदेशी जिनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनकी दृष्टि में ये दोनों परग्रही अपराधी हैं, अपराधी। तो जब तक कानून से उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाता वो लोग इसी तरह बंदी रखे जाएंगे? अब तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें उन्हें किसी तरह से भी छुड़ाना होगा बस। परंतु कानून जो शक्तिमान भैया के सामने प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है उसका वो क्या करेगा देवी जी? तुम्हारे लिए मुश्किल है क्या? तुम उन्हें जबरदस्ती भी वहां से छुड़ा सकते हो। अब आप शक्तिमान भैया को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी आप ऐसा कही जा रही हैं? अरे अगर शक्तिमान भैया कानून तोड़ने लगेगा तो फिर समाज में कानून से कौन डरेगा? सब अपनी अपनी मनमानी करने लगेंगे। कुछ भी हो जाए शक्तिमान भैया कानून नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता कानून। ये तो था शक्तिमान की कहानी का मुख्य भाग, और अब देखिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये हैं रानी और गुड़िया, ज्योति की छोटी बहनें। सभी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं। इधर आओ, इसे उठाओ। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता नहीं है कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए? अब जाओ उसे डस्टबिन में फेंक कर आओ। शाबाश ज्योति, तुम वाकई एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभा रही हो। थैंक यू शक्तिमान। दोस्तों अपने छोटे भाई बहनों का मार्गदर्शन करना तुम्हारा अपना फर्ज है। मनुष्य उम्र के साथ धीरे धीरे बहुत कुछ सीखता चला जाता है दोस्तों, इसलिए जाहिर है कि तुम अपने छोटे भाई बहनों से ज्यादा समझदार होंगे, क्योंकि तुम्हारा अनुभव हर चीज के बारे में उनसे ज्यादा होगा। क्या सही है क्या गलत है इस बात का अनुमान उनसे तुम्हें ज्यादा ही होगा। इसलिए जब कभी भी तुम अपने किसी छोटे भाई बहन को कोई गलती करते हुए देखो तो प्यार से उन्हें टोको और उन्हें समझाओ कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। क्या सही है क्या गलत है ये बात उन्हें प्यार से समझाओ और फिर तुम देखोगे कि आगे चलकर वो तुम्हारी तरह एक अच्छे इंसान बने। शक्तिमान।